हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीतास ग्रीन कॉर्नर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा रही हूँ मेरी गार्डन में आज जो फ्लावरिंग हुआ है, ये गुलाब के कुछ फ्लावर्स है, ये पिंक कलर की, और ये सारे हाइब्रिड वेराइटीज़ के गुलाब हैं और सारे के सारे बहुत ही पुराने प्लांट्स से, मतलब नए प्लांट्स में कुछ ऐड नहीं की हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं उसकी प्रॉपर केयर करने से कितना बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। और गुलाब के पौधे हैं जितने, उनको 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है लकी बैम्बो के बारे में, और ये वेरीगेटेड लकी बैम्बो है और इसको नर्सरी में आपको 50-60 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इसके जो लीव के वेरिएशन है, थोड़ा नियन और ग्रीन कलर की इसमें टिंट है, ब्यूटीफुल लगता है। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है और इसको हाउस प्लांट भी कह सकते हैं। और ये जो प्लांट है, इसको मैं छोटा सा एक स्टॉक के लेके आई थी 50 रुपीज़ में, और देख सकते हैं ये 2 ईयर्स हो गया है और हाइट भी उसका बढ़ गया है। और इसको एक छोटे से कंटेनर में, जो बिस्किट का कंटेनर था, उसी में ही मैं उसी को पॉटिंग की थी। और ये देख सकते हैं इसमें कटिंग करके भी मैं कुछ प्रोपागेट भी की हूँ, और इसका आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन लाइक शेयर कमेंट। तो ये देखिए, ये मेरा ये इसका जो लिप के कलर है ये नॉर्मल है लकी बैम्बू का, तो ये ग्रीन कलर है। वो थोड़ा सा मतलब हाइट उसका ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसलिए थोड़ा उसका बेंड हो गया है, इसलिए सपोर्ट के लिए मैं एक स्टिक भी उसमें लगा ली हूँ। तो ये जो दो प्लांट है, इसको मैं बहुत एक ब्यूटीफुल मेरा प्लांटर, ये देखिए मुझे 100 रुपीज़ में ये क्यूट सा एलिफेंट वाला पॉट मिला था, तो इसी में ही मैं इसको पॉटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं जो पॉटिंग मिक्स ले रही हूँ, तो देखिए मैं कौन कौन सी पॉटिंग मिक्स में क्या क्या मैं ऐड कर रही हूँ। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी ये जितने भी ड्राई हो गए हैं, इसको हम लोगों को कट करके निकाल देना है। और इसका जो प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो टिप्स ऐसे ब्राउन हो जाता है, या तो अंडर वाटरिंग करने से भी हो जाता है, या तो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर तेज़ धूप गिरने से भी इसकी लिप्स का जो टिप्स होता है ना, वो ऐसे ही ब्राउन हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि ब्राउन एरिया को हम लोग हटा देंगे। तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और ये देख सकते हैं बिल्कुल ही भुरभुरी है, चिकना मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मैं और क्या क्या सब ऐड कर रही हूँ। तो ये कुछ सकुलेंट और कैक्टस की मिक्स है, तो वेल एरेटेड बनाने के लिए मैं वही मिक्स ही इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, ये देखिए। तो जितना भी ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी मतलब हल्का फुल्का है, ऑल वेरी वेल एरेटेड है ये, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि वो जो एलिफेंट की प्लांटर है, उसको मैं घर के अंदर ही रखूँगी, तो वेल एरेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस जगह पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे इसको मतलब ब्राइट लाइट मिले, अगर मॉर्निंग का सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा तो वेल एंड गुड। तो बिल्कुल भी डार्क एरिया में रखने से इसके जो लिप की कलर ना थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब इतना वेरिएशन और नहीं रहता है। तो इसी जगह पे आप प्लेस करें जहाँ पे इसको मॉर्निंग के सनलाइट मिले, या तो ब्राइट लाइट मिले, छन के धूप मिलेगा तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए इसमें ये जो ग्रो बैग में है, ये सॉइल भी ठीक ठाक है, मतलब उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बर्मी कंपोस्ट भी ऐड करूँगी। तो वर्मी कंपोस्ट कोई भी इंडोर प्लांट में आप ऐड करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया होता है आपके लिए, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को वेल एरेटेड भुरभुरी मिट्टी बहुत ही पसंद है। अगर इसको मतलब पानी आप डालेंगे और सौगी रह जाएगा तो रूट्स ख़राब होने के बहुत चांसेस है। इसमें देखिए रूट्स बिल्कुल भर गया है और मिट्टी भी मतलब सैंडी सॉइल है, इसीलिए मैं इसको नहीं हटाऊँगी। तो ये मिट्टी डाल के मैं
इसमें थोड़ा सा मैं लीफ मोल्ड्स भी बनाई थी, तो लीफ मोल्ड भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है प्लांट के लिए। तो जितना भी ड्राई लीव्स है आप इसको बस रख लेंगी, कोई भी मतलब पॉलीथीन है तो कोई भी बड़ा सा बैग में रख लेंगे, और उसमें मैं थोड़ा सा दही और पानी ना डाल के उसको रख लेती। तो ये बनने के लिए मुझे 3 मंथ्स के आसपास लगा। तो ये मिट्टी को एक तो हल्का बनाता है और फर्टिलाइज भी करता है मिट्टी को, जो कि सारी प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए, तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना बहुत ज़्यादा और कोई दूसरा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखिए ड्रेनेज होल भी बहुत ही बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा एक टिकली डाल के हम लोग इसको कवर कर लेंगे। देखिए, तो अभी मैं इसको फिलअप कर लूँगी मिट्टी से। तो लकी बाम्बू जो होता है फेंगसुई के हिसाब से ये बहुत ही घर के लिए शुभ होता है, और जिसे कहा जाता है कि घर की नेगेटिविटी ये अब्जॉर्ब कर लेता है, और इसे भी ग्रीनरी भी घर की बढ़ा देता है, घर की एस्थेटिक लुक ही चेंज कर देता है। आप कोई भी मतलब शो पीस के जगह पे आप कोई भी ग्रीन प्लांट आप ऐड कर लेंगे ना, देखेंगे घर मतलब घर का लुक ही कैसे फ्रेश लगता है, एयर को भी ये प्योरीफाई करता है। तो हम लोग जैसे लकी बैम्बू नर्सरी में अवेलेबल होता है, जैसे बहुत सारे 12 स्टॉक्स है तो 15 स्टॉक्स से करके वाटर में डालने के लिए, तो वो कभी कभी ख़राब होने के चांसेस होता है, मतलब उसके वाटर रेगुलरली हम लोगों को मतलब चेंज करना है। पर इसको ऐसे मिट्टी में लगाने से भी ये बहुत ही बढ़िया सी ये ग्रो करता है, अच्छा भी दिखता है ये। तो थोड़ा सा भर गया था, फिर भी मैं थोड़ा सा निकालना पड़ा मुझे इसमें से सॉइल। इसके बाद इसको डाल के मैं सॉइल इसमें डाल दूंगी बिल्कुल। ये देखिए ये लग गया, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। मैं इसको तो मेरा ये देखिए लिविंग स्पेस में ही रखूंगी। ये अभी थोड़ा थोड़ा सा ये लग रहा है बढ़िया से। तो दूसरा भी एक प्लांटर में रखी हूँ, उसी में ही डाल दूंगी दूसरे वाला जो पॉट है। तो धीरे धीरे से उसमें से बहुत सारे न्यू शूट्स भी निकलने लगेंगे। तो मैं जहाँ पे भी रखूँगी, मैं मतलब प्लान की हूँ तो वहाँ पे तो इतना धूप नहीं गिरता है, तो मॉर्निंग के धूप खिलाने के लिए मैं इसको हमारे जो बाहर कॉरिडोर है वहीं पे मैं थोड़ा सा ले जाऊँगी, वहीं पे 1-2 घंटे के मॉर्निंग सनलाइट आता है। तो फिर मतलब नॉट एवरी डे पर अल्टरनेट डे में इससे मैं करूँगी। तो अभी ये मेरा लग गया है, थोड़ा सा ही वाटरिंग करना है मुझे। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, जब टॉप सॉइल इसका मतलब आपको ड्राई लगने लगे उसी टाइम में आप इसमें वाटरिंग कीजिएगा। तो लग गया, और थोड़ा थोड़ा सा अभी वाटरिंग करने से थोड़ा सा मिट्टी नीचे दब गया है, तो और भी मतलब मैं इसमें पॉटिंग सॉइल डाल दूंगी। तो ये मेरा लग गया है अभी। इसे अभी इसको थोड़ा थोड़ा सा अच्छी तरह से दबा लेना है। ये देखिए, तो अभी लग गया मेरा लकी बैम्बू और ये ब्यूटीफुल एलिफेंट में। तो अभी थोड़ा सा इसको जो ब्राउन टिप्स है थोड़ा सा अभी मैं इसको ट्रिम कर लेती हूँ। देखिए ये हो गया। तो इसको आप भी अपने घर के अंदर आर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी। जैसे ये तो पहले से ही मैं बता दी थी कि ये एयर प्योरीफायर है, बहुत ही बढ़िया एयर प्योरीफायर है, और फेंगशुई के हिसाब से भी ये बहुत ही लकी प्लांट है। तो आप भी इसको ऐड कीजिए, और वंस अगेन इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन शेयर, यू कैन कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं अभी जो बोली थी मैं दिखाऊंगी आपको, मैं कुछ प्रोपागेट की थी, ये देखिए छोटे छोटे से कटिंग में ये परलाइट और वर्मी कंपोस्ट डाल के मैं कुछ प्रोपागेट की थी लकी बैम्बू। ये देखिए उसमें से कितना बढ़िया से रूटिंग भी हो गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा बस वाटरिंग बीच में कर रही थी, कितना बढ़िया से इसमें रूटिंग हो गया। तो आप भी कटिंग करके ऐसे ही न्यू प्लांट्स भी बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड बाय।